बिजली की रानी मैं हूँ आई। छम्मू अपनी बहू मालिनी के साथ रहती थी। दोनों सास बहू तय करती हैं कि दोनों साथ मिलकर शहर से गांव जाएंगी। मालिनी बहू, तुझे पता है गांव में वो बाजार पूरे 10 साल बाद लगने वाला है। उसमें सब कुछ मिलता है, वो भी एकदम कम दाम में। अपनी तो लॉटरी लगने वाली है। सच में माँ जी, फिर तो अपने मजे ही मजे। चल अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध ले, हम कल ही ट्रेन में सवार होकर निकल पड़ेंगे गांव के लिए। ठीक है माँ जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। इसी खुशी में दोनों पैकिंग करते वक्त ठुमके लगाती हैं। बिजली की रानी मैं हूँ आई, बिजली की रानी मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। मालिनी और छम्मो दोनों अपने बैग्स भरते हैं और गांव के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उनके गांव को पहुंचने के लिए 2 ट्रेन्स होती हैं। एक शहर से बिंदुपुर की ट्रेन और फिर बिंदुपुर से कमालगंज। हमें कमालगंज जाना है, उसके लिए हमें पहले यहाँ से बिंदुपुर जाना होगा और फिर बिंदुपुर स्टेशन से कमालगंज, यानी हमारे गांव। बिंदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम सुनकर ही ट्रेन में सवार एक यात्री घबरा जाता है। अरे बाप रे, बिंदुपुर स्टेशन, वो तो एकदम भूतिया रेलवे स्टेशन है। वहाँ जाना मतलब भूतों के अड्डे पर जाने जैसा है, मत जाओ वहाँ पर। उस यात्री की ये बात सुनकर मालिनी घबरा जाती। लल्लू कहीं का, अपने काम से काम रख, वरना चलती ट्रेन में ही बाहर फेंक दूंगी। हाँ लेकिन अम्मा जी, मैं सच कह रहा हूँ। कि माँ जी अचानक से इतनी एंग्री बर्ड कैसे बन गई? एंग्री बर्ड भी नहीं, ये तो एंग्री भैंस है। मालिनी और छम्मो दोनों उस यात्री की कई बातों को इग्नोर करते हैं और देखते ही देखते बिंदुपुर स्टेशन आ जाता है। बिंदुपुर स्टेशन आ जाता है। मालिनी और छम्मो उस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। ओ तेरी, ये रेलवे स्टेशन तो किसी भूतिया जगह से कम नहीं है ना माँ जी। माँ जी, माँ जी, माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी, माँ जी। वो यहां से वहां उस रेलवे स्टेशन पर छम्मो को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से छम्मो उसके सामने आती है। आप क्या माँ जी, आप भी ना, मेरी जान ही निकाल दी थी अभी आपने तो। क्या तू भी बहू, बहू फट्टू है तू तो, इतने में फुस हो गई तेरी। मालिनी को तभी अपनी सास छम्मो का वीडियो कॉल आता है और वो हैरान हो जाती है। ये क्या, माँ जी का वीडियो कॉल? लेकिन आप तो मेरे सामने हो। और फिर मालिनी उस वीडियो कॉल को रिसीव करती है, तभी देखती है कि वीडियो कॉल में उसकी सास अभी तक शहर के रेलवे स्टेशन पर ही है। अरे बहू कहाँ चली गई तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ, हमें सीधे कमालगंज जाना है। वो बिंदुपुर से होते हुए नहीं जाना है, वो एक बहुत ही भूतिया रेलवे स्टेशन है। अगर आप अभी तक वहाँ है तो यहाँ कौन है? डरती और कपकपाती सांसों के साथ मालिनी अपना चेहरा फिर से उस छम्मो के पास घुमाती है जो बिंदुपुर रेलवे स्टेशन पर होती है। तभी वो देखती है कि वो एक चुड़ैल बन चुकी है और ये भयानक दृश्य देखकर मालिनी की चीख निकल जाती है। नहीं, इसका मतलब मेरे साथ ट्रेन में जो आई थी वो तुम थी? हाँ मैं ही थी। जो भी बिंदुपुर रेलवे स्टेशन आने वाला होता है मुझे उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है, और ठीक उसी तरह मुझे तुम्हारे बारे में भी पता चला, और अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा पाएगा। चम चम करता है ये नशीला बदन, नशीला बदन। नाच मेरे साथ, नाच चल। लेकिन मैं, अरे नाच। उलाला 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 उलाला, मैं हूँ वेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। अरे उलाला 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 उलाला,
मैं हूँ वेरी फैंटेसी। छूना छूना ना, छूना ना, छूना ना, अब मैं जवां हो गई। मालिनी बहुत घबरा जाती है। नहीं, बचाओ बचाओ। लेकिन तभी समय रहते ही वहां पर एक दूसरी ट्रेन आती है। और उसमें से एक पंडित जी और छमो उतरते हैं और पंडित जी उस चुड़ैल पर भभूत छिड़कते हैं जिससे भी जलने लगते हैं और तड़पने बिलकने लगते हैं। और इस तरह छमो ने वीडियो कॉल के जरिए सारा माजरा समझ लिया और तुरंत नई ट्रेन पकड़कर पंडित जी के साथ आकर सही समय पर अपनी बहू को बचा ही लिया। रंभा अपनी बहू डिम्पी के साथ रहती है। वो डिम्पी से खूब काम करवाती रहती है। एक दिन डिम्पी अपने मायके गई होती है। जब वो वापस लौट कर आती है तब उसके बर्ताव और हाव भाव में काफी बदलाव होता है। अबे ओए मुफ्तखोर महारानी, चल जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना और वो भी मसाले वाली। लेकिन रंभा के कहने पर भी डिम्पी ना कोई जवाब देती है ना हिलती डुलती है। तभी रंभा उसके पास जाती है और रंभा का गला पकड़कर उसे हवा में लटका देती है जिससे रंभा के पैर जमीन से हटकर हवा में हो जाते हैं। छोड़ बहू, छोड़ मुझे, अरे मैं मर जाऊंगी। क्यों, और ऑर्डर्स दे मेरी डिम्पी को? खबरदार अगर तूने मेरी डिम्पी को परेशान किया तो। रात में जब डिम्पी का पति नित्यम आता है वो अपने कपड़े उतारकर अंडरवियर पर डांस करता है। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ओहो चुमा चुमा दे 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 दे, चुमा चुमा दे दे चुमा। डिम्पी अचानक से नित्यम को गुस्सैल आंखों से घूरने लगती है और वो उसे धक्का मारती है जिससे नित्यम तेजी से अलमारी से टकराता है। आह! नित्यम डिम्पी की तरफ देखता है कि वो एक जिन्न में बदल जाती है जिसे देखकर नित्यम की सांसें ही एक पल के लिए रुक जाती हैं और उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। नहीं! नित्यम अपने कमरे से बाहर चट्टी पर ही भागने लगता है और डिम्पी भी उसके पीछे भाग। ये देख रंभा डर जाती है। अरे तुम दोनों को अगर सुहागरात मनानी ही है तो अपने कमरे में बनाओ ना, ये पकड़म पकड़ाई क्यों खेल रहे हो? माँ अपनी जान बचाओ और भागो, डिम्पी के अंदर भूत घुस गया है। रुक तेरी तो नल्ले, आज तेरी चड्डी उतार कर तुझे मारूंगा। तुझे मेरी डिम्पी के साथ अश्लील हरकत करनी है, डिम्पी सिर्फ मेरी है। नित्यम तुरंत अपने कपड़े लेकर रंभा के साथ भाग जाता है और वो दोनों सीधा पीर बाबा के पास जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। तभी पीर बाबा उन्हें एक जिन्न की तस्वीर दिखाते हैं। क्या वो भूत ऐसा दिखता है? हाँ पीर बाबा, वो ऐसा ही था, अभी भी उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फिर तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि ये कोई साधारण भूत नहीं, ये एक जिन है और जिन खूबसूरत औरतों से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तुम्हारी बेगम के शरीर में जिस जिन ने अपना घर बना लिया है वो तुम्हारी बेगम से इश्क कर बैठा है। इसीलिए जब से बहू मायके से आई है तब से वो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। रात के अंधेरे में किसी रास्ते से आते वक्त वो डिम्पी के शरीर में घुस गया होगा। बाबा अब हम उस जिन को डिम्पी के शरीर से बाहर कैसे निकालें? जिन को इंसानी शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें मरे हुए मुर्दों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब शमशान में मैं जिन को पकड़ने जाऊंगा तब वो भागेगा, इसलिए उसे मेरे पास मुर्दे ही ला सकते हैं। अगले दिन नित्यम और रंभा दोनों डिम्पी को झूठ कहते हैं। डिम्पी आज मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ने जा रहा हूँ, वहाँ तुम अकेले खूब खुश रहना। हाँ बहू, तू अकेली रहेगी तो सुकून से रहेगी। ठीक है, वैसे भी मैं तो अकेले ही रहने के बहाना ढूंढ रही हूँ, तभी तो मैं उसके साथ वक्त बिता पाऊंगी। ये बात डिम्पी नहीं कह रही थी, ये उसके अंदर का जिन्न कह रहा था। नित्यम और रंभा दोनों भी को सीधा शमशान ले जाते हैं। झूठ बोला,
तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। और तभी जाकर बाबा अपने मंत्रों से उस जिन्न को शांत करते हैं और उसे एक बोतल में कैद करते हैं, और इस तरह बहू के अंदर से भूतिया जिन्न का नामो निशान मिट जाता है।